यहाँ देख हमारा सारा हो गया। अब हमने ना फोन, अगर सपोज हमें स्टाइलिश फोन लगाना है, ये सिंपल फोन था, अभी बाज का क्लाइंट की डिमांड आ गई कि आप ये फोन लगा दो, मुझे गूगल का फोन ढूंढो, मुझे गूगल से ये फोन लगा दो। अब हम यहाँ से कोई फोन ले लेते हैं, लाइट 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 स्टाइलिश फोन, चलो ये ले लेते हैं। ठीक है, हम इसे क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये गूगल फोन डॉट कॉम, फोन डॉट गूगल डॉट कॉम है, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे, हमें यहाँ से वो ये फोन के वो नीचे बता रहा है, ठीक है, हमने यहाँ पे इसको करना है सेलेक्ट दिस फोन, सेलेक्ट हो गया, नीचे आपका फोन आ गया। यहाँ से वो आपको कह रहा है कि इसकी ये इसकी सीएसएस है, ये उसकी ये लिखने का तरीका है। हमने क्या करना है, ये सीएसएस को कॉपी करना है, ठीक है, और अपनी इस हेडर में रख देना। अच्छा ये यहाँ रख दिया, ठीक है, अब वो ये हमें बता रहा है जी ये इसकी आपने ये चीज लगानी है, ठीक है, हम ये कॉपी कर लेते हैं। अब हम सपोज चेंज करते हैं अपना टाइटल, चेंज करते हैं इसका, ये फोन का इसका टाइटल चेंज करते हैं, डिजाइन 56 पे जाना, हमने जाना भी कस्टम तो 56, ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ पे वापिस इधर जाना है, हमें यहाँ से फोन स्टाइल कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना, ठीक है, और इसको आप करो रिफ्रेश, लेकिन ये गूगल से ही चलना है, ऑनलाइन चलेगा, ठीक है, ये सब मैं ये चेंज हो गया जानती फोन और ये तुम्हारे काम, हूँ। ठीक है, यहाँ से कोई भी ले लो। अगर आप आपने इसको खत्म करना है, कहाँ पे आपने खत्म करते हैं इसको, ये क्लियर आ गया, ठीक है, ये खत्म हो गया, पहले वो दो सेलेक्ट किए थे। अगर हम यहाँ से सपोज एक कोई ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, चलो थोड़ा सा पता चल जाएगा तो ये चेंज हुआ। हमने क्या करना है, सेलेक्ट फोन करना है, फिर हमने यहाँ से इसको खोलना है, यहाँ से हमें ये कॉपी करनी है, इसका पाथ कॉपी करना है और ये हमने हेडर के अंदर यहाँ रख दिया। अब वो आपको कह रहा है कि ये आप चीज़ यूज कर लो, ये हमने यहाँ दे दो, ठीक है, और ये देखो आपका फोन चेंज हो गया, क्या था ये स्टाइल था ना, चेंज हो गया। आप 3 4 फोन इकट्ठे कर सकते हो, लाइक अभी हमने एक किया ना, ये देखो एक का आ रहा है, अगर हमें यहाँ से और पसंद आता है, हमें ये भी पसंद आ गया, हम इसे भी खोलेंगे, इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, तो हो गए। हम यहाँ से आएंगे, हम यहाँ से एक और सिलेक्ट कर लेंगे, लाइक हम ये ले लेते हैं, ठीक है, हम इसको भी कहते हैं सिलेक्ट। अब इसकी दोबारा खोलेंगे तो उसने एक ही सीएसएस बनाई, एक ही वो बनाई हुई नहीं है स्टाइल शीट, ठीक है, ये हमने कॉपी करनी है, दोनों तीनों उसने ले लिया, देखो 1 2 3 तीनों पूरी आ गई, और उसने तीनों का तरीका बता दिया कि अगर आपने तीनों में से कोई एक यूज करनी है आप वो यूज करें, हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और फोन फ्रेम भी जहाँ मर्जी चेंज कर लेंगे, ठीक है भाई, कोई इसमें मुश्किल थी कुछ भी नहीं था, ठीक है, ये देखो चेंज हो गया। हाँ यहाँ से मैं दूसरा भी खोल लेता हूँ, इसकी अब जरूरत नहीं है, लॉगिन किया, कहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, कहाँ पे यूजर सेटिंग्स में, जो सवाल पूछूंगा क्विक रिस्पॉन्स में। अच्छा रजिस्ट्रेशन वो लोग नया वर्जन आ गया, 4.6.1 आ गया, इसी तरह ही होता है। अच्छा कहाँ पे आपने क्या सेटिंग्स में, क्या सेटिंग में जाके जनरल में जाना है, यहाँ से हमने क्या कहना है, एनीवन कैन रजिस्टर, अभी आप ये सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर रह के यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे सेव, ठीक है, बंद किया। यहाँ से हम करेंगे wp-admin,
ये देखो, अब पहले हमारा यहाँ पे आता था लॉगिन का आता था, अब यहाँ पे क्या आ गया, रजिस्ट्रेशन का भी आ गया। ठीक है, हम क्या कहेंगे, रजिस्टर्ड, हमने उसको अलाउ कर दिया कि वहां से मेंबर बन जाए, और क्या है, जो बने सब्सक्राइबर, यहाँ से हम दे देंगे सब्सक्राइबर। ठीक है, सब वन कर दिया, उसका ईमेल हमने कर दिया sub1@yahoo.com। ठीक है, ये यूजर बन गया। जब यूजर रजिस्टर होगा, यूजर को ईमेल चली जाएगी, उसके अंदर उसका ये यूजर नेम और पासवर्ड जाएगा। ठीक है, ऑटो चली जाएगी, रजिस्टर किया। ये खुद करेगा, लाइन करेगा, ये यूजर आया ना, वो रजिस्टर नहीं लगा। ठीक है, वो रजिस्टर होगा, यहाँ पे रजिस्टर हो गया। अब हमारे पास अभी ये लोकल पे पड़ी है, ईमेल हम ऑनलाइन नहीं चेक कर सकते। ठीक है, हमें ऑनलाइन की ईमेल अभी नहीं गई होगी, अगर ऑनलाइन पड़ी होती तो वो असल ईमेल डालता, उसको यूजर नेम और पासवर्ड ईमेल चला जाता। अब क्या करना है हमें, फिलहाल अभी यहाँ पे हम चेकिंग ऑल यूजर्स में चले जाएंगे। ऑल यूजर में आके देखो, यहाँ पे वो आपका आ गया, सब्सक्राइबर बन गया। इसको हम एडिट कर लेते हैं, और यहाँ से हम उसका पासवर्ड उसको साइन कर देते हैं फिलहाल। ठीक है, इसको करना है अपडेट, पासवर्ड भी मैंने उसका वही कर दिया जो उसका यूजर नेम था। ओके, हो गया। अब उसका क्या, उसमें यूजर नेम रखा था सब वन, हमने पासवर्ड उसको यही दे दिया। लॉगिन करेंगे, बस उसके पास ये है, उसके पास सिर्फ ये प्रोफाइल बनी है जहाँ पे वो अपना अपनी ये नेम ईमेल वगैरह चेंज कर सकता, और कुछ भी वो नहीं कर सकता। कोई ये है, यहाँ से आपका ये सिर्फ देख सकता है कि प्रोफाइल में भाई क्या है, जिस तरह हम फेसबुक पर फॉलो करते हैं, ये चीज़ वही किस्म की है कि फॉलो कर लिए बस उसकी अपडेट आपको शो होंगी, नथिंग एल्स। अपडेट ही शो होती है ना, इसने स्टेटस क्या डाला, ये क्या डाला, वो फॉलो एक किस्म का फॉलो नहीं है। क्या चीज़, यहाँ पर कुछ नहीं नजर आएगा, ये कुछ भी नहीं, इसका कोई मकसद नहीं, बस ऐसे ही है। लेकिन इसका मकसद ये है कि आपके जितने यहाँ पे सब्सक्राइबर बन जाएंगे ना, आप फिर अगर कल को उनको ईमेल भेजना चाहते हो ना, तो एक प्लगइन करके, तो एक प्लगइन करोगे कि आप ईमेल भेजना चाहते हो अपने जितने सब्सक्राइबर हैं, बट रजिस्टर हुए हैं, उनको आप ईमेल भेज सकते हो, भाई हमने ये नई एड चलाई है, या हम ये आपको चीज़ दे रहे हैं, कोई एक न्यूज़ भेजना चाहते हो ना, वो प्लगइन करके ईमेल का वो आप ईमेल भेज सकते हो। समझ आई बात की, बात की समझ आई, लग रहा थकावट ज़्यादा हुई है सबको। अच्छा, अब मैं दोबारा यूजर रजिस्टर नहीं करता, मैं उसका यहाँ से रोल चेंज कर देता हूँ। मैं उसका रोल क्या कर देता हूँ, कंट्रीब्यूटर। बिल्कुल से देखो, पहले मैंने क्या यहाँ से सेटिंग में क्या अलाउ किया था, सब्सक्राइबर, लेकिन अब सोच मैंने जो है ना सेटिंग में जाके उसका रोल, जो भी यूजर रोल रजिस्टर होगा उसका रोल क्या कर दिया मैंने, सब्सक्राइबर। हम स्पेसिफिक यूजर को भी चेंज कर सकते हैं रोल, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, वो से समझो भाई, मैंने यहाँ से उसका रोल चेंज किया। ये आपको यूजर बता रहा है, इसके रोलों का डिफरेंस बता रहा है, ये प्रैक्टिकली समझ आएंगे। अब रिफ्रेश करो, यहाँ पे देखो क्या होगा, अब हमने उसका क्या रोल कर दिया, कंट्रीब्यूटर का। तो वो क्या कर सकता है कि आप उसके पास ये कमेंट्स भी आ जाते हैं, जो आपने प्लगइन किए होते हैं वो भी आ जाते हैं, लेकिन ये हमने बंद करने होते हैं, या आप खुद करोगे, ढूंढोगे तरीका कैसे बंद करने हैं। यहाँ पे वो क्या कर सकता है, कंट्रीब्यूटर जो है वो यहाँ पे आपके साथ पोस्ट शेयर कर सकता है। आपने ब्लॉग बनाया ना, एक कंट्रीब्यूटर आया, वो उसको कोई एक पोस्ट अच्छी लगी है, वो यहाँ पे डाल देगा, कैटेगरीज उसके सामने सारी आ जाएंगी, वो यहाँ पे डाल के पब्लिश कर देगा, सेव। सेव करने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, उसके पास आ जाएगी पोस्ट रिव्यू के लिए। अगर एडमिनिस्ट्रेटर को ठीक लगी तो वो उसे पब्लिश क्लिक करेगा, तो वो पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, बात समझ आई, कंट्रीब्यूटर की समझ आ गई क्या कर सकते हैं। पची नहीं, ठीक चल रहा है चंद्र जी। देखो यहाँ पे हम आएंगे पोस्ट पे,
उसको यहाँ पे पोस्टें शो हो रही है, कुछ नहीं कर सकता वो, ठीक है, यहाँ से सिर्फ वो व्यू कर सकता है, मैं एडिट कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसका रोल क्या है, कॉन्ट्रीब्यूटर का। सब्सक्राइबर क्या, वो सिर्फ अपनी प्रोफाइल बना सकता है, एडिट नहीं कर सकता, ठीक है। अब मुझे कोई पोस्ट पसंद आई है, मैं कहता हूँ कि मेरी इस वेबसाइट पर ये पोस्ट शो होनी चाहिए, मैं एडमिन को भेज देता हूँ, उसको मैं एक डाल देता हूँ डेमो टेस्ट पोस्ट, ठीक है, वन डेटा लिख दिया जो भी है, ठीक है। यहाँ से मैंने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, ट्रैवल ट्रैवल, मैंने क्या कर दिया, सबमिट फॉर रिव्यू, वो टैग्स भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। टैग सेलेक्ट किए, सबमिट फॉर रिव्यू होगी, अब ये फॉरन हमारी वेबसाइट पे शो नहीं होगी, ये एडमिन के पास चली जाएगी, एडमिन को अगर ये पसंद आई तो वो इसको क्या कर देगा, पब्लिश, वो पब्लिश कर देगा तो वेबसाइट पे आने लगेगा। एक टाइम में कितने लॉगिन हो सकते हैं, जितने मर्जी कर, वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, यहाँ पे समझ आए, ठीक है। एडमिशन लेगा ना, एडमिशन लेगा, ये देखो यहाँ पे वो पोस्ट आई है, टेस्ट वन जो डाली थी नहीं गई, क्यों, वो अब यहाँ पे एडमिन से लॉगिन होगा, यहाँ पे मैं आ जाऊँगा पोस्ट पे, ऑल पोस्ट पे आ जाऊँगा, और ये देखो आ गया, डैशबोर्ड में वहाँ पे देख लेते हैं, ये देखो आ गया आपके पास पोस्ट, उसने का पेंडिंग है, अब हम इसे एडिट करेंगे या प्रीव्यू कर लो, नहीं यहाँ पे पेंडिंग पोस्ट का नहीं, वो आपको प्लगइन कर सकते हो, अगर हम चाहते हैं कि हमें पेंडिंग पोस्टें शो हो जाए तो वो प्लगइन से कर सकते हो। अच्छा जी यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो क्या कह रहा जी, दिस कंटेंट इज करेंटली लॉग, इफ यू टेक ओवर सब सब वन यूजर का नाम आ गया विल बी ब्लॉक फ्रॉम कंटिन्यूइंग टू एडिट, इससे क्या हो जाएगा कि अगर मैं इसे ओवरटेक कर लूँगा ना तो मतलब मेरे पास आ जाएगी, जो यूजर वन है ना वो इसे अब एडिट नहीं कर सकेगा क्योंकि जब तक मैंने खोली हुई है, ठीक है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा उसका राइट। अब मैंने इसे टेक ओवर कर लिया, ठीक है, यहाँ से अब मैं इसको एडिट करने के बाद पसंद आ गई जो पब्लिश कर, यहाँ से पब्लिश करेंगे आपकी वो पोस्ट यहाँ आएगी, आ गई टेस्ट वन, वही तो देखो टेस्ट वन आ गई, यहाँ तक समझ आई। अगले यूजर्स कौन कौन से हैं, लाइक अगला यूजर हम जाते हैं वापस यूजर्स पे, अब इसके दो कंट्रीब्यूटर का यूजर है, लेकिन हम ये भी नहीं देते वर्ल्डप्रेस में, हम जो ब्लॉग बनाया ना हम ये भी नहीं देते, ज्यादातर हम देते नहीं है। इसका क्या तरीका होता है, किसी यूजर ने हमें कोई चीज शेयर करनी है ना, हम यहाँ कहते हैं सबमिट योर पोस्ट, ये सबमिट योर ब्लॉग वगैरह जो भी है, सबमिट योर पोस्ट करेंगे वो कॉन्टेक्ट फॉर्म खुल जाएगा, डाटा लिखे, टाइटल लिखे, इमेज है इमेज लगा दे, यूआरएल है यूआरएल लगा दे, वो लगाने के बाद हम क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, हमें ईमेल आ जाएगी, हमें पसंद आएगी तो हम खुद पोस्ट कर देंगे, ठीक है, एक ये तरीका। अच्छा अब हमने ये यूजर बनाया, हम इसको दोबारा वापस एडिट पे आते हैं, ये देखो ऊपर बताता जाएगा कि कंट्रीब्यूटर के कितने हैं, दूसरे यूजर कितने हैं। अगला हमारा जी ये अगला हमारा ऑथर है और एडिटर है, ये भी करानी है, अभी करा दूं, एक दो मिनट लगने, देख लो इसकी प्रैक्टिस करना आप लोग, देख लो अभी कंट्रीब्यूटर के पास क्या चीज आएगी बताओ मुझे जरा। अच्छा जी आप ऑथर पे देख लेते हैं, हम ऑथर को करते हैं, ये इसलिए आ रहा है मैंने वो नेट बंद किया हुआ। अच्छा अब मैं दोबारा लॉग आउट करूंगा, मैंने बनाया था सब वन रोल सी सब वन, ये मैं आज इसलिए करा रहा हूँ कल जो दो दिन नेक्स्ट है ना उसमें आपको कुछ और करवा देता हूँ। अब क्या उसके पास आ गया, उसके पास क्या आ गई, पोस्ट आ गई और मीडिया आ गई और टूल्स आ गए, वो क्या कर सकते हैं, हमने कौन सा बनाया है, एडिटर बनाया, ऑथर बनाया, क्या ऑथर बनाया ना, ऑथर बनाया ना, ऑथर ऑथर में वो क्या कर सकता, देखो अब ये ऑथर क्या उसके पास आया, एडिट कर सकता है,
ऑथर के पास क्या होगा कि कंट्रीब्यूटर अगर कोई पोस्ट डाली है वो उसको एडिट कर सकता है, लाइक ये देखो पोस्ट डाली है, इसको वो सिर्फ एडिट कर सकता है। हाँ लेकिन हाँ उसको 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 वो नहीं शो होंगे, जो जो कंट्रीब्यूटर की है ना सर वो शो होंगे। देखो जो एडमिन ने डाली है ना, एडमिनिस्ट्रेटर ने, वो इसको पोस्टें शो नहीं होंगी, वो भी अलग कर सकता यार। यहाँ पे देखो उसको नहीं शो होंगे, क्या आ गया, सब आ गया सर। ये सब अथर जो था उसने पोस्ट डाल दिया, एडमिनिस्ट्रेटर ने जो पोस्टें डाली है वो इसको नहीं शो होंगी, ये लिखना चाहते हो तो लिख लो। अच्छा अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब वो यहाँ पे क्या कर सकता है, इस पोस्ट को एडिट कर सकता है, इसमें इमेजेस मीडिया लगा सकता है। लेकिन जब हमने दूसरा किया था क्या कहते हैं कंट्रीब्यूटर, वो मीडिया नहीं लगा सकता था, ठीक है, वो मीडिया नहीं लगा सकता था, उसके भाई सिर्फ खाली ऐसे ही आ रहा था, ठीक है। आथर क्या कर सकता है, आपकी कंट्रीब्यूटर वाले जो पोस्टें होंगी उनको एडिट करके पब्लिश कर सकता है, बस अब यहाँ पे हम वापिस आ रहे, उसको यूजर भी नहीं छोड़ रहे आथर को। आथर क्या कर सकता है, सिर्फ पोस्टों को पब्लिश कर सकता है, रीड करके पब्लिश कर सकता है, ठीक है। वापिस आते हैं, एक मिनट सर, दो मिनट और लगने, काम हो जाएगा, मेरा भी वो जो है कंफ्यूजन कर रही होगी, क्लियर हो गई है। वापिस आ गए, यूजर आ गए, यूजर के पास गए ऑल यूजर, यहाँ से हम ये एडिट, यहाँ से हमने कर दिया जी सब वन को हमने आथर बना दिया, ठीक है। हम ये आ गया, तो गया, इसको हम वापस इसमें किस में ले जाते हैं, कंट्रीब्यूटर में, मैं बताता हूँ इसको, नहीं आई पब्लिश पोस्ट डाल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं डाटा, सब वन बेटा, फिर आपने क्वेश्चन भूल जाएंगे, फिर आपने कहना मुझे पिछला समय नहीं आएगी। एक नहीं, अब उसको पोस्टें शो होगी जो जो कंट्रीब्यूटर्स ने डाली थी, ऑथर की नहीं शो होगी और ना उसकी शो होगी, एडमिन की ना एडिटर की, हर बंदे को सिर्फ यहाँ पे आप दे दो टेस्ट टू डेटा लिख दिया, इमेज ये देखो यहाँ पे उसके पास इमेज नहीं अपलोड कर सकता, ठीक है, उसके पास मीडिया इमेज अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है, टैग दे सकता है, ये हो गया, सबमिट फॉर रिव्यू, ये सब्सक्राइबर है सॉरी कंट्रीब्यूटर, उसने क्या किया पोस्ट शेयर कर दी। अब हम क्या करते हैं, हम सब वन को बना देते हैं एडिटर सॉरी ऑथर बना देते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, मेरा भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो वो शिट एडमिशन होगा वापस अपना काम, मैं कह रहा हूँ सवा दिन से पहले पहले करा। अच्छा देखो देखो सामने देखो देखो, ये मैंने कल सुनने हैं, आप लोगों ने मुझे करके दिखाने के सारी चीज़ें, अब चेंज करने लगा, अब मैं इसको क्या करने लगा, आथर अभी नहीं आथर करने लगा, मैंने कंट्रीब्यूटर से पोस्ट डाली, अब मैंने उसका रोल चेंज कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, किससे होंगे, सब वन, सब वन पहले हमने कंट्रीब्यूटर बनाया, इसे पोस्ट डाल, सब वन को हम, अब हमने रोल चेंज कर दिया ऑथर का, अब ये क्या करेगा, ये जो लिस्ट आ रही है ना चीजें एक्स्ट्रा, ये हम बंद कर देंगे। अच्छा जी आप देखो पेंडिंग आ गई, अब हम इसे क्या करेंगे एडिट, अब ये देखो अथर अथर आप क्या कर सकता है बताओ, आप मुझे तीनों रोल बताओ, सब्सक्राइबर क्या करता है, अथर क्या कर सकता है,
आथर क्या कर मीडिया कर सकता है, मीडिया कर सकता है। हाँ, और आथर को किसकी कौन सी पोस्ट शो होती है? हाँ, एडमिन की शो होगी। अच्छा, कंट्रीब्यूटर क्या करता है? मुझे भी नहीं याद रखती। अच्छा अच्छा जी, यहाँ पे आप हमें यूजर्स पे जाना है। ये बड़ा क्वेश्चन भी हो सकता है, अगर कहीं इंटरव्यू देने जाओ ना, वो पूछ सकते हैं रोल बताओ कौन कौन से रोल है क्या। अच्छा जी, अब हमने से क्या बनाया? चलो ठीक है, बना दूंगा। अच्छा ये क्या? एडिटर। मुझे पता तुम हालत में मैसेज आया। एडिटर हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, लॉग आउट करेंगे। मेरे से आप लोगों में लॉग आउट करो। मेरा वो दूसरा काम चल नहीं रहा, पता नहीं क्या मसला है, यही चल रहा है बेचारा। अच्छा आज तुम आप लोगों का दिल नहीं ना कर रहा पढ़ने को, मैंने बांध नहीं कर रहा यार, ये थोड़ी सी चीज करा दिया। अच्छा जी अब बताओ, हमने क्या रोल दिया? एडिटर। एडिटर के पास क्या चीज आ गई? पोस्ट आ गई, मीडिया आ गई और पेजेस आ गए। वो पेजेस डाल सकता है, पेजेस एडिट कर सकता है। मेन्यू नहीं आएगा? नहीं, मेन्यू नहीं करेगा, बस जितना रोल उसके पास आ गया होगा, जो पेजेस डाल चुके हैं उनको एडिट कर सकता है या नया पेज डाल सकता है। ठीक है, नई पोस्ट डाल सकता है या नई पोस्ट को एडिट कर सकता है। ठीक है, बाकी अब ये चीज एडमिनिस्ट्रेटर कर दोगे, उसके पास आपके पास देख रहे सारे रोल आ गए। खुद बनेगा जिस तरह लोगों से समझ होता नहीं, वो हम उसके साइड का जो एड्रेस देंगे। ठीक है, वो मैं बताने लगा था ना, अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो ऊपर आ रहे हैं ना ये लिंक, यहाँ पे आपने एक लगा के ना रजिस्ट्रेशन का, रजिस्टर नाउ। जब रजिस्टर नाउ पे क्लिक करे तो हमारा क्या पेज खुल जाए, wp-admin। ये तो लॉगिन के लिए खुलता है ना, हमारा पेज खुले, ये वाला पेज खुले। ये आपने URL कॉपी करना है, ठीक है, यहाँ ये कॉपी करना है और वो आपने लगाना है। जब यहाँ पे ऊपर आपने चाहे ऊपर लगा दो या यहाँ पे कहीं लिख दो बिकम अ मेंबर, वो लिंक पीछे लगा के उसको ये ओपन करा। आज सबकी बहुत बुरी हालत है, सबको बासियां आ रही हैं। अच्छा ठीक है, अब मुझे